ऑब्जेक्टिव स्ट्राइक, तो किस तरीके से उनका फाइनल वेलोसिटी, जैसे आप कह रहे हैं कि इधर होगी कि उधर होगी, रिगार्डिंग दैट आपको और कुछ बेटे ज्यादा या कम वेलोसिटी को नहीं देखना, आप सिंपली आपका एक ऑब्जेक्ट ये है राइट बेटा, इस तरफ जा रहा है ये, और दूसरा ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में है वो भी, दूसरा इस तरफ से आ रहा है ये कह रहे हो आप, है ना। तो ये दोनों आकर यहाँ पे कोलाइड कर गए, कोलिजन के बाद ये दोनों किस तरफ फिरेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड, है ना बेटा। इसमें आप करिए कि जब ये कोलाइड होने जा रहे हैं, इनका कोलाइड होने से पहले का बेटे आप मोमेंटम निकाल लीजिए, इसकी वेलोसिटी यू वन है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए यू टू है, मास एम वन है, मास एम टू है, इसका मोमेंटम बेटे आ जाएगा एम वन यू वन, और इसका मोमेंटम क्या आएगा, नो डायरेक्शन अपोजिट है, इट विल बी प्लस एम टू इंटू माइनस यू टू करना होगा आपको, ये चीज का ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सो एक मिनट पुत्र, एक मिनट रुकिएगा, इनिशियल मोमेंटम आपका बन गया एम वन यू वन माइनस एम टू यू टू, ठीक हो गई बात। अब एक मिनट बेटी वेट करिए, अच्छा ये देखिए कि कोलाइड करने के बाद अगर तो दोनों इकट्ठे ही रहते हैं, स्टिक कर जाते हैं ना कई बार ऑब्जेक्ट्स, कई बार सेपरेट भी हो जाते हैं, अगर सेपरेट हो जाएं तो उनकी वेलोसिटीज को v1 v2 कह दो, अगर वो दोनों इकट्ठे ही हैं स्टिक कर गए हैं तो इनका कंबाइंड वेलोसिटी v कह दीजिए, राइट, स्टिक कर गए हैं अगर, तो दो ऑब्जेक्ट आए टकराए, टकरा कर वो एक ही एक जगह इकट्ठे ही हो गए, राइट, उस केस में आप इनकी वेलोसिटी को v बोल दीजिए, और आपका फाइनल मोमेंटम बच्चों आ जाएगा जी m1 plus m2, ये टोटल मास हो गया दोनों का, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय देयर कंबाइंड वेलोसिटी भी। अब आप क्या करिए, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, वहां से आपको ये v मिल जाएगा। सो आई विल से दैट m1 plus m2 into कैपिटल v इज m1 u1 माइनस एम टू यू टू बेटा, और वी आपके पास आ गया एम वन यू वन माइनस एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू बेटे, आप ऐसे निकाल सकते हो। अब देखिए जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है आप खाली उसकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, आपका रिजल्ट आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये वेलोसिटी ये सारी वैल्यूज सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आती है, इसका मतलब है आपके ऑब्जेक्ट दोनों इधर गिरे हैं, अगर नेगेटिव आए तो, अगर पॉजिटिव आएगी इसका मतलब होगा वो दोनों इधर गिर जाएंगे, दैट्स इट बेटा, समझ आ गई बेटे डियर चिल्ड्रन सबको। फिर से पुत्र एक बार ध्यान दीजिएगा, गुड़िया गर्ल इधर, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं आपके मूव कर रहे हैं, इसको स्पीड को या वेलोसिटी को आपने बच्चों पॉजिटिव लिया है, इसको आपने नेगेटिव लिया है बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब ये दोनों कोलाइड कर गए तब का मोमेंटम निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी आपके पास ये आ गई, अगर इसके साथ नेगेटिव साइन आता है तो दैट विल इंडिकेट ये दोनों इधर गिरेंगे, अगर पॉजिटिव साइन आता है तो दो दीज विल बी फॉलिंग इन द डायरेक्शन इन विच यू वन इज देयर, राइट जी बेटे, समझ आ गई पुत्र, रिकॉइल ऑफ द गन के साथ रिलेट करके समझाऊंगे हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, अगर अगर तो ट्रेन क्वाइन थ्रो करने के बाद एक्सेलरेट हुई है देन डेफिनेटली पीछे गिरेगा, अगर कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग है फिर तो पीछे गिरेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो बी कॉन्स्टेंट हो तो एक्सेलरेशन नहीं हुआ तब तो वापस एंड में आ जाएगा, ऐसे थ्रो किया वापस एंड में आ गया, और अगर वो उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है इट इज कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग तो फिर वो पीछे ही गिरेगा, वो पर्सन आगे चला जाएगा, और अगर रिटार्डेशन होगी तो वो आगे गिर जाएगी, पर्सन पीछे रह जाएगा, राइट बेटे। हाँ जी पुत्र, नहीं बेटे मास को नेगेटिव कभी नहीं लेते हम, क्यों, नहीं नहीं गुड़िया ऐसे नहीं, प्लीज एक बार देखिए ध्यान से, सारे बच्चे देखिएगा बेटा, आपके पास आप ग्राफ का भी बनाते हो कि नहीं, ग्राफ आपको आपके मैडम ने मैथ वाले मैडम ने करवाए हैं, और जब आप ग्राफ बनाते हो
आप इस तरफ पॉजिटिव एक्स लिखते हो, शायद पॉजिटिव ना लिखते होंगे, एक्स एक्सिस तो लिखते हैं, इधर आप वाई भी लिखते होंगे, इधर जेड लिखते हैं। इन एडिशन टू दिस इंफॉर्मेशन मैं थोड़ा और ऐड कर दूं, उत्तर एक मिनट देख लो इधर, पहले आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर होते हैं, इनको माइनस एक्स कह देते हैं, हाँ जी, ये आपके माइनस वाई एक्सिस होते हैं, और बच्चों ये आपके माइनस जेड होते हैं, ठीक है जी। इस तरफ जितना भी मोशन होगा अलोंग द एक्स एक्सिस दैट वी विल बी टेकिंग पॉजिटिव, इधर वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, जेड वाले को नेगेटिव, इधर वाले को पॉजिटिव, राइट? यस। ना 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 बेटे, नॉर्थ साउथ का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो अलग कंसेप्ट। अरे पुत्र मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, आपकी जो भी स्पीड है इसमें पुट कर दो, मास पुट कर दो, स्पीड पुट कर दो, कोई जवाब आएगा ना, कोई आंसर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई आएगी ना, वहां से हमें अपने आप पता चलेगा। प्लीज बेटे जाइए पानी पी जाइए एक बार। यस बेटा, ऑल वेल, चले आगे। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबको क्लियर है? बिल्कुल, उसको दोबारा प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है। हाँ जी पुत्र जी, सारे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन क्लियर टू ऑल, एंड न्यूटन सेकंड लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन, उनमें कोई डाउट तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को बेटा? चलिए फिर आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल टेकिंग ए कैच, हाउ वी विल एक्सप्लेन दिस बेटा इन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स? यस, हाँ हाँ, गुड गुड गुड, बट थोड़ा सा मैं आपके इसको स्टेटमेंट को सप्लीमेंट करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। While taking the catch, when the player lowers his hands, बेटा actually he is increasing the time of catch. कैच करने का टाइम वो इंक्रीज कर रहा है। और डियर चिल्ड्रन एक बात और ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट बेटे, एक मिनट रुकिए बेटा, और आपको ये पता है एफ इज इक्वल टू एम इन टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। अगर ये टाइम ऑफ कैच डिनोमिनेटर में जो है ये बड़ा हो गया तो ये सारी टर्म छोटी हो जाएगी, फोर्स विल बिकम लेस बेटा, सो एफ इट विल बिकम बेटे लेस, और अगर एफ बेटा लेस हो गई तो हमारा ऑटोमेटिकली जो पर्सन कैच कर रहा है, जो प्लेयर कैच कर रहा है, उसको लेस इंजरी फेस करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू द अदरवाइज सिचुएशन, राइट बेटे? यहाँ पे कोई बच्चा हैंड रेज कर रहा था, प्लीज अगेन बेटे, आई थिंक, हाँ जी बेटे बोलिए। 25 सर, मैंने इधर भी 25 है, मनीष अमितान, सॉरी, वो मुझे मनीष लगा। यस बेटा बोलो पुत्र, 25 रोल नंबर मितांश पथरिया, बेटे आप सर, वो पहले आंसर देना था जब आपने पूछा। हाँ जी बेटे जी, अच्छा सर, पहले आंसर देना था जवाब। ओके सर, बोलिए जी बोलिए सर। एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया करा दो, एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया सुन लीजिए बेटे, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा जरा बेटा, डियर एक मिनट बंद करिए इसको। एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग बेटे सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारा ये है दैट व्हेन वी बीट ए कारपेट विद अ स्टिक बेटा, बेटे यू हैव बीन टोल्ड अबाउट योर एग्जाम्स दैट दीज आर गोइंग टू बी योर टर्म वन, बेटे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठे हैं प्लीज,
बेटे स्टूडेंट्स जितने भी ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, आई कैन सी 25 स्टूडेंट्स करीब करीब। बेटे डियर चिल्ड्रन, आपके ये टर्म वन एग्जाम्स हैं, आपके माइंड में कोई भी बच्चों कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, राइट बेटे? एक मिनट बेटे, प्लीज एक मिनट मुझे वो जवाब देने दीजिए बच्चों ने जो पूछा है। आई विल लिसन टू यू। बेटे एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग, व्हेन वी आर बीटिंग ए कारपेट विद द स्टिक बेटा, द डस्ट पार्टिकल्स दे कम आउट, वी कैन एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बेटे व्हेन वी आर बीटिंग द कारपेट विद द स्टिक बेटा, एक्चुअली व्हेन वी आर मेकिंग द stick to touch with the carpet with some required force, then the carpet it will come immediately in motion and the dust particles trapped in between the empty spaces that will try to remain at rest just on account of inertia of rest bite, and when the carpet will move from its original position, dust due to the acceleration of due to gravity will automatically fall down bita. So this can be explained on the basis of the principle of inertia of rest. Secondly, sometimes question is there that when we are sitting in a bus or a car, or we are ready to ride a horse, and the horse or the car or the bus, it suddenly starts running or starts moving, then the person, person sitting on the bus or the car or the horse falls in the backward direction just due to the inertia of बेटा rest. Actual में क्या होता है बेटा, जो part rider की body का in contact with the horse है और in contact with the seat of the bus or the car है, that will obviously come in motion along with the car or the bus or the horse, but the upper part of the body of the rider that on account of inertia of rest will try to remain at rest बेटा, and as a result of that the person falls in the backward direction. Third important point hai beta, a person riding a horse falls in the forward direction if the horse suddenly stops running, ya the passenger sitting in the bus or the car or the train, they fall in the forward direction if suddenly brakes are applied. This is due to the inertia of motion. So the horse, it was already in motion, the rider was already in motion, horse immediately stopped, the part of the body of the rider in contact with the horse will come to rest, but the upper part will try to continue in its present state of motion. As a result of that, an unbalanced force will act on the body of the rider in the forward direction, aur rider aage ko gir jate hain. Aur bachcho, sabse zaruri application, आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन भी देखा होगा एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, कि व्हाई द पैसेंजर्स आर ऑलवेज एडवाइज्ड टू टाई देयर लगेज विद द हेल्प ऑफ ए रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस और द कार, इट इज जस्ट टू अवॉइड द स्किडिंग ऑफ और फॉलिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑफ द लगेज ऑन अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑन अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन और on account of inertia of direction. बिल्कुल ठीक बेटे. So these were the applications of inertia बेटे. Roll number 11 पुत्र, 11 roll number. Yes sir. Clear all. Yes sir. Sir एक scooters में और या फिर बाकी tyres में suspension दी जाती है, वो किसका application है? वो बेटे आपका इसी पे बेस है, न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड है, सस्पेंशन कह लो या शॉकर कह लो, ये आपका बेटा जो राइडर है, राइडर को राइड करते टाइम कम इंजरी फेस करनी पड़े, कम जर्क्स फेस करने पड़े, अगर रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो जो आपका शॉकर है या सस्पेंशन है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, वो शॉकर क्या करते हैं, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट जर्क्स होते हैं ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ द रोड, उन जर्क्स का राइडर तक पहुंचने का टाइम जो है इंक्रीज कर देते हैं, वो शॉकर कंप्रेस हो जाएंगे या इलोंगेट हो जाएंगे, तो राइडर तक पहुंचने का टाइम बढ़ जाएगा एंड एफ विल बिकम डियर चिल्ड्रन लेस, और अगर एफ लेस हो जाएगा तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट बेटा द पर्सन और द राइडर विल रिसीव लेस जर्क्स
इन कंपैरिजन टू द अदरवाइज सिचुएशन व्हेन द शॉकर्स आर टोटली नॉट डिप्लॉयड इन द व्हीकल बेटा. राइट बेटा, 11 रोल नंबर. ओके सर, थैंक यू सर. ओके जी, यस बेटे. अब आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे पुत्र? एक मिनट. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का बेटे एप्लीकेशन सुनिएगा ध्यान से. आप एक सर्कुलर ट्रैक पे इन द व्हीकल टर्न कर रहे हो. आप अपना उधर चौंक लगा लीजिए, आप कार में हैं और ट्रैफिक मान लीजिए बड़ा कम है. हम थोड़ा स्पीड से अगर ऐसे राउंड घुमा देते हैं अपने व्हीकल को, आपको बाहर की तरफ एक पुश लगता है. सो दैट इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. राइट बेटे, टू जस्टिफाई दैट रादर. हाँ जी पुत्र जी, आप कुछ कह रहे थे और आप इसका जवाब भी बताना चाहते. हाँ जी बेटे, बिल्कुल बिल्कुल. आप अगर सडनली कट लगाओगे, कट करोगे अपनी व्हीकल की डायरेक्शन को, तो आप और आपका व्हीकल और आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, तो यू विल ट्राई टू कंटिन्यू टू मूव इन दैट डायरेक्शन. लेकिन आपका व्हीकल तो ऑलरेडी टर्न कर चुका है, इसलिए हमें आउटवर्ड पुश फेस करना पड़ता है. यस बढ़िया. बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन बेटे बिल्कुल ठीक है आपने. मुझे पता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. हाँ जी बेटा, टाइम के साथ तो मैं सारे वो करा रहे हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया. विकांश रोल नंबर 25, अपना माइक बंद करिए पुत्र. विकांश बेटा अपना माइक बंद कर लीजिएगा. लाइए, कौन सा न्यूमेरिकल कह रहे थे आप? 8 केड़े वाला बेटा, ये वाला. डियर चिल्ड्रन, लिसन टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. टू पर्सन मैनेज टू पुश ए मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए लेवल रोड. द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय द 3 पर्संस टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार. अज्यूम दैट ऑल द पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्क्यूलर एफर्ट. कोई बात नहीं बेटे, मैं हिंट दे देता हूँ, आप करके देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम. फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटे, अब अगर प्रॉब्लम है तो करवाना पड़ेगा ना. टू पर्संस हैं, 1200 किलोग्राम का मोटर कार का मास है 1200 किलोग्राम. जब बेटे टू पर्संस हैं, नंबर ऑफ पर्संस जब आपके टू हैं, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन इसका जीरो है. राइट जी. लेकिन बेटे उन्होंने कहा है कि जब 3% फोर्स अप्लाई करते हैं, तो नंबर ऑफ पर्संस जब 3 हो गए बेटा, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, एक्सेलरेशन बन गया 0.2 मीटर पर सेकंड का स्केयर. राइट जी. अब आपको कहा गया है कि हरेक पर्सन कितनी फोर्स अप्लाई करेगा. लीजिए बेटे, डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट आपका जो एफ है ये एम इंटू ए के बराबर है पुत्र. मास आपके पास है, एक्सेलरेशन आपके पास है. देखिए यूनिट्स दोनों के स्टैंडर्ड ही हैं, कोई आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको. राइट. उसके बाद फोर्स निकलाया, ये फोर्स को 3 पर्सन के बीच में बराबर डिवाइड कर दीजिए बाई 3 करके, तो दैट मच विल बी द फोर्स दैट ईच पर्सन विल बी अप्लाइंग ऑन द मोटर कार्य बोर्ड जो भी है. राइट. यस बेटे, डियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट आपका रह ना जाए किसी भी बच्चे का. यस, हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं पूछना कुछ भी. इधर दोनों बॉयज एंड में, एवरीथिंग क्लियर? बिल्कुल. और आप दोनों पुत्र, कोई डाउट ही नहीं है, तो अच्छी बात है. यस बेटा, आई होप सो. ध्यान दीजिएगा देन बेटा. अगर बेटे लिसन, अगर आपका कोई डाउट नहीं है, तो मैं बेटे आपको
हमारा जो कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वो थोड़ा जरूर डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। आइए 2-3 मिनट लगाएं इसको, ध्यान दीजिएगा जरा गुड़िया। नो, बी अलर्ट, बी एक्टिव। ये आपको देखो ऐसे नहीं, इट्स नॉट गुड साइन। क्या कहती है? इट्स नॉट गुड साइन, यू शुड बी अटेंटिव इन द क्लास टुडे। बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सारे स्टूडेंट्स देखिए क्या है और हम जस्टिफाई कैसे किया करते हैं। इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है m1, इसका मास है u1, वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस बेटा, राइट। एक और ऑब्जेक्ट है m2 बच्चों, इसका मास है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस वंस अगेन। अगर ये स्पीड इससे बड़ी है तो डियर चिल्ड्रन मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये इससे बड़ा है ऐसे लिखा जाएगा, अगर ये बड़ा है इससे तो ये दोनों कोलाइड करेंगे। आफ्टर कोलिजन बेटे दोनों मान लीजिए सेपरेट हो गए हैं, एम वन मास वी वन वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, एम टू मास डियर स्टूडेंट्स वी टू वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है जी। पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसको एफ 21 नहीं कहना कभी भी, एफ 21 नहीं कहना कभी भी, राइट। इट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, एफ 21 या एफ 21 वाली बात कभी किसी ने नहीं कहनी। इसी तरीके से इस पे रिएक्शन फोर्स जो लगेगा दैट इज फोर्स ऑन, क्या लिखूं बच्चों, वन ड्यू टू टू बेटा, इसको एफ 12 बोलना कि नहीं बोलना, नहीं कहना, हाँ जी ए बी बी ए कह सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एफ ए बी एफ बी ए कह दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये सिर्फ एक डिनोट करने का तरीका ही है, जैसे मर्जी कर लो। अब बच्चों देखो, आप न्यूटन थर्ड लॉ डिटेल में पढ़ते हो, क्या पढ़ा गुड़िया बताइए, थर्ड लॉ की स्टेटमेंट There is equal and opposite reaction to action. हाँ जी आगे, एक थोड़ा सा पार्ट मिस भी कर रहे हो आप, हाँ जी बेटे एक छोटी सी लाइन मिस भी कर रहे हो, हाँ जी पुत्र वो भी ठीक है, एक स्टिल लाइन मिस कर रहे हो सारे, यस दिस इज द की पॉइंट। जब भी आपका एक्शन और रिएक्शन की बात करें, जब तक आप ये नहीं कहते कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं, अपोजिट हैं और डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, तब तक ये इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। जिस बॉडी पे एक्शन है रिएक्शन उस पे नहीं है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे है। अगर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर मैं बोर्ड को इस तरीके से फोर्स अप्लाई करूं तो एक्शन बोर्ड पे है, रिएक्शन मेरे हैंड पे होगा, राइट। समझ आ गई सारे स्टूडेंट्स को बात। अब ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, न्यूटन सेकेंड लॉ हमें कहता है इट इज चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी टू डिवाइडेड बाय टाइम, यही सेकेंड लॉ पढ़ा था हमने, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट पे है तो आपका मोमेंटम भी तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का ही लेंगे, बोल दिया करो बच्चों, सुस्त पढ़ जाते हैं। एम टू वी टू सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस एम वन सॉरी एम टू यू टू सेकेंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, दिस इज एफ टू वन, दैट शुड बी द स्पिरिट। और अब आप लिखवाइए एफ वन टू को, मैं क्या लिखूं पुत्र, एफ वन टू किसके बराबर लिखूं, ना ना ना, पहले डेल्टा पी वन बाई टी नहीं लिखना, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट वन, ऐसा है, हाँ जी पुत्र जी, लास्ट स्टूडेंट, नई बात बनी नहीं लगती, बताइए क्या प्रॉब्लम है,
बेटे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, नंबर वन बॉडी पे फोर्स लग रही है तो मोमेंटम भी तो वन बॉडी का ही चेंज होगा, टू का थोड़ी चेंज होगा। समझ आ गई अब बात? Yes, sir. जिस बॉडी पे फोर्स लगेगी मोमेंटम उसी का बदलेगा, साथ वाली का थोड़ी बदल जाएगा। सो इसको मैं एम वन बी वन माइनस एम वन यू वन अपॉन टी लिख दूं पुत्र जी। और अब न्यूटन थर्ड लॉ जैसे आप बता ही रहे हो, एफ वन टू इज माइनस एफ टू वन होता है, दोनों वैल्यूज पुट कर दूं, इसकी यहां पुट कर देता हूं इसकी यहां। अरे कर दो, रहने दो, आप नहीं करोगे, आप नहीं करके देखेंगे। चलिए चलिए ठीक है, करिए फटाफट करिए सारे बच्चे, आप अपना करिए, मैं अपना इधर करता हूँ, फिर आप मैच कर लीजिएगा। राइट, ये आपके पास था, आप अपना करिए, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, देन आप मैच कर लीजिएगा कि वेदर इट इज सर्विंग आउट टू बी सेम और इट इज डिफरेंट। ये टी कट गया, इसको ऐसे कर दीजिएगा। हाँ जी पुत्र जी, आ भी गया सर, पीएफ इक्वल्स टू पीआई। हाँ जी सर, पीएफ इक्वल्स टू पीआई सर, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एंड आपने ऐसे कर दिया, ये इनिशियल और ये फाइनल मोमेंटम, और आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो जाता है। यस, हाँ जी बोलो पुत्र। ना 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 ना, माइनस तो आपका एडजस्ट कर दिया बीच में, माइनस एडजस्ट किया, ये कोई माइनस वाला हो गया, ये प्लस वाला हो गया। राइट बेटा, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं? सिल पूरा सेकंड यूनिट अलोंग विद न्यूमेरिकल एमसीक्यू, ये वो सब कुछ है, कहां पे? यहां, यहां, ये बेटे माइनस का साइन मैंने यहां एडजस्ट कर दिया ऑलरेडी। मैंने क्या किया, ये यू वन वाली टर्म इधर ले गया हूं, इसको इधर ले आया हूं, माइनस साइन अपने आप एलिमिनेट हो गया। हाँ जी सर, हाँ सर, बेटे मेरी बात एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। डियर चिल्ड्रन, इन द बिगनिंग आपका पीटी वन एग्जाम था, प्रेजेंटली आपका टर्म वन है, नवंबर वाला आपका पीटी टू हो जाएगा, देन आपका पीटी थ्री एंड देन टर्म टू। राइट, गुड़िया, जब टेंथ एंड ट्वेल्थ का होता है तब सारे स्कूल के उस टाइम पे एग्जाम्स हुआ करते हैं, तो दैट विल आल्सो बी देयर। राइट, एक मिनट बेटे, एक मिनट, थोड़ा सा प्लीज, एक मिनट बेटे, एक मिनट रुकिएगा, मैं वो दिसंबर वाले एग्जाम की ही बात कर रहा हूँ, मैं वो ही कह रहा हूँ बेटा, वो उन्होंने बोर्ड ने इस बार पता क्या किया है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ड्यू टू द कोविड सिचुएशन, और उन्होंने बेटे देखो इतना बड़ा काम है उसको उन्होंने अरेंजमेंट भी कर रहे हैं ना, उन्होंने एक आपको टाइम दे दिया कि इतने टाइम से इतने टाइम तक वो एग्जाम्स लेंगे, जब उनके एग्जाम्स होंगे उनके तो वो तो हो ही जाएंगे, हमारे भी तो दिसंबर के एंड में होते हैं ना पेपर, अभी होते ही रहे हैं, वो तो होने ही होने हैं बेटा। बेटे दिसंबर वाले ही कह रहा हूँ मैं। अरे बेटे आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, जो आप दिसंबर नवंबर वाले कह रहे हो मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, वो आपका एक बार ही होगा, दो बार नहीं होगा। समझ आ गई कि नहीं? एक मिनट मेरी बात सुनिए फिर से, एक तो आपके बेटे प्लीज सुनो पहले, पीटी वन तो आपका हो चुका, हो गया ना, अब टर्म वन हो गया, इसके बाद दिसंबर में या नवंबर में एक ही बार होंगे, दो बार नहीं होंगे, वो आपका पीटी टू हो गया, उसके बाद आपका पीटी थ्री हो गया, उसके बाद टर्म टू हो गया, फिर आप टेंथ में चले गए, फिर टेंथ में जैसी बोर्ड की डायरेक्शन आएंगी इसके, नहीं बेटे उसके बाद मार्च में नहीं होगा, उसके बाद मार्च से पहले एक बार आपका एग्जाम हुआ करता है, बस इस बार अभी चार बार है, उन्होंने पीटी तीन बोला हुआ है, जैसे भी होगा मैम आपको गाइड कर देंगे, डोंट वरी बेटे।
वाई यू आर वरीड बेटे, जैसे जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। राइट जी, आप देखिए कि आपका कोई और डाउट ना रह जाए। बच्चों इधर कोई मेडिकल कोई अदरवाइज प्रॉब्लम तो नहीं रह गई? एमसीक्यू सारे क्लियर हैं? असर्शन रीजन सारे ठीक हैं? क्वेश्चंस विद मल्टीपल ऑप्शंस ठीक हैं? देन डिफाइन इंपल्स, इंपल्स डिफाइन इंपल्स, एक मिनट बेटे, इंपल्स क्या? ना 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 ना, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन नहीं बेटे, सुनिए मेरी बात एक सेकंड के लिए। इंपल्स बच्चों होता है व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स और सिंपली इंपल्स। राइट बेटा? और ये इंपल्स जो होती है ना, ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होती है, याद रखिएगा। इंपल्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन सेकेंड, ये भी याद रखिएगा। थैंक यू बेटा।